बांदा में आज रामनवमी जुलूस के दौरान उस वक्त अद्भुत नजारा देखने को मिला जब भगवा रंग से सराबोर राम भक्तों फूल की वर्षा की गई। इस दौरान शहर के लोगों ने आकाशीय नजारे का जमकर लुत्फ उठाया। समूचा शहर जय श्री राम के नारों के साथ गूंजता रहा। शहर की सभी प्रमुख सड़कें भगवा रंग से रंगी नजर आईं। डीजे ढोल नंगारों के बीच राम भक्तों का उत्साह चरम पर रहा। जुलूस के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जुलूस मार्ग को पहले से ही बैरिकेड कर यातायात रोक दिया गया था। दोपहर 5 बजे रामलीला मैदान से शुरू हुआ रामनवमी जुलूस अभी भी जारी है। वही लोगों ने जगह जगह राम भक्तों के लिए लंगर का इंतजाम किया था और जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से गुजर रहा है। जुलूस में राम सीता हनुमान की झांकियां जुलूस की शोभा बढ़ा रही है। वही शहर के मशहूर स्वर्दिन्ना के परिवार ने 20,000 राम भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया है। जुलूस के साथ राम झांकी के साथ लोग डीजे की धुन में नाचते गाते नजर आए। वही रामनवमी केंद्रीय कमेटी संयोजक अमित भोलू ने बताया पिछले कई सालों से आज के दिन भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें सभी शहर वाले 100 झांकियां लेकर आते हैं जिसका पूरे शहर में भ्रमण होता। कम से कम 1,00,000 लोग शामिल होते हैं। शोभा यात्रा 5 से रात 10 बजे तक चलेगी। वही जुलूस में पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। शहर के हर चौराहे गली में पुलिस मुस्तैद दिख रही है ताकि रामनवमी को शांति से मनाया जा सके। पुलिस ने ड्रोन और छतों पर भी अपने डेरा डाल रखा है। हर अराजक तत्व पर उनकी नजर होगी ताकि किसी तरह का माहौल खराब न होने पाए। रिपोर्ट नवल तिवारी, एवीपी भारत न्यूज चैनल। भाई साहब, ये रामनवमी को उपलक्ष्य में किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? माधा केंद्रीय रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा कई वर्षों से रामनवमी के पावन पर्व भगवान के नाम की भव्य शोभा यात्रा निकालती है जिसमें पूरे माधा शहर के लोग एकत्र होते हैं। समस्त मोहल्लों से लोग झांकी लगभग 100 झांकी लेके आते हैं। पूरे शहर में इसका भ्रमण होता है। क्यों मनाया जाता है ये राम के बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। रामनवमी में हम लोग हर वर्ष भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। शुभ नाम क्या है पूरा? विधायक जी, आज रामनवमी के पर्व में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? त्यौहार है। आप देख रहे होंगे कि बांदा सहित देहात क्षेत्र में हर जगह पर आज राम भक्तों में हर्षोल्लास है। अपने आराध्य के जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्साहपूर्वक